अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। रफ़ीक के जायके में आप सभी को खुशामदीद। तो आज हम बनाने वाले हैं जमजम बिरयानी। तो जमजम बिरयानी बनाने के लिए बहुत आसान मैं बताऊंगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि इसमें कई चीज़ें फ्राई रखना पड़ता है, तो वो मैंने थोड़ा कर लिया, जैसे आलू हुआ, अंडा हुआ। बाकी मैं एकदम ईजी, एकदम शॉर्ट वीडियो में बताऊँगा। तो इंशाल्लाह, कई लोगों ने मुझे बोला भी था लेकिन कभी वो टाइम आया नहीं जमजम बिरयानी बनाने का, तो आज मैं बना के दिखाता हूँ आपको जमजम बिरयानी। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने 2 किलो मटन ले लिया है और ये मैंने आलू फ्राई करके रख दिया है, लंबे साइज़ के काटे हमने। अंडे भी फ्राई कर लिए हैं, बिरिस्ता है हमारा जो राइस के लिए बहुत अच्छा होता है। और बाकी ये हमारा हरा मसाला जो आप जानते हैं, और इस तरफ है हमारा हरी मिर्ची पेस्ट, अदरक लहसुन पेस्ट और दही। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मटन, तो अब इसके अंदर पानी डाल देते हैं। पानी आपको उतना ही डालना है कि मटन भीग जाए बस, क्योंकि मटन कुकर बंद करने के बाद में उसका पानी सूखता नहीं है और पानी हमें बाद में ड्राई करना है। तो ये हमने पानी डाल दिया। तो 1 टेबल स्पून नमक, धनिया, हल्दी, मिर्ची, काली मिर्च, तेजपत्ता, पीनी लकड़ी, जावित्री, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 1 टेबल स्पून मिर्ची। तो अब इसे ढक्कन मार देते हैं, रख देते हैं पकने के लिए। तो ये हमने रख दिया है और हाई फ्लेम पे हम 1 सीटी बोलने तक पकाएंगे, उसके बाद में स्लो कर देंगे और 3 सीटी और बोलवाएंगे, मतलब 90% हमारा पकना चाहिए बस। जब तक कि अब मेरा मटन बॉयल हो रहा है, उसी बीच में हम क्या करते हैं, चिकन की तैयारी कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम मसाला ऐड करते हैं। 1 टेबल स्पून मिर्ची पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 1 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, इसी के अंदर 1 खड़ा जीरा 1 टेबल स्पून, और यह चॉपिंग लहसुन, मिर्ची चॉप किया हुआ है, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना। तो हमें करीब करीब इसके अंदर 400 ग्राम दही डालना है, 1 टेबल स्पून गरम मसाला। तो करीब इसको हम 200 ग्राम तेल डालेंगे, वेजिटेबल ऑयल। तो अब इसके अंदर बिरिस्ता डाल देते हैं। बिरिस्ता करीब करीब हमने 150 ग्राम डाला है बिरिस्ता। तो अब इसे मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से। तो ये हमारा मिक्स हो गया है और इसे बस इसी के अंदर फैला देते हैं, थोड़ा सेट कर देते हैं और थोड़ा सा नमक चेक कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। अब इसी के अंदर क्या करते हैं, थोड़ा सा लेमन हम डाल देते हैं बीच बीच में। तो ये मेरा फाइनल हो गया है। अब हम अगला स्टेप दिखाते हैं आपको। थोड़ा सा इसी के अंदर हम गरम मसाला खड़ा डाल देते हैं, जो हमने प्लेट में आपको दिखाया था वही है। 1 दालचीनी लकड़ी, 2-3 तेज़पत्ते या 2-3 पीस इलायची, ये बड़ी इलायची। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है। हमने गरम मसाला खड़ा ज़्यादा यूज़ नहीं किया क्योंकि हमने आपको दिखाया भी था कि थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डाला है, ज़्यादा गरम मसाला खड़ा हम नहीं डालते हैं। तो अब क्या करना है, ये मेरा फाइनल हो गया है, अब कोफ्ते बनाते हैं। तो दोस्तों, अब मैंने ले लिया है कीमा, और कीमा में सबसे पहले क्या करते हैं, हम नमक 1 टेबल स्पून 1 टीस्पून ऐड करते हैं, स्पून और भी डाल देते हैं। मिर्ची डाल देते हैं 1 टीस्पून, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, सब पिसा हुआ मिर्ची 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन पेस्ट, और ये डाल देते हैं दालिया। दालिया का पाउडर है, जो भुना हुआ चना होता है उसका पाउडर है। आप चाहें तो ब्रेड क्रम भी डाल सकते हैं या बेसन डाल सकते हैं, मैदा भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और इसके अंदर अब डाल देते हैं थोड़ा सा कुछ हरा मसाला। ये हो गया मिर्ची, अदरक, सब चॉपिंग लहसुन, धनिया पुदीना, और ये हो गया धनिया, हो गया पुदीना। अब इसे मिक्स कर देते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला, थोड़ा सा बिरिस्ता डाल देते हैं इसी के अंदर, बहुत मज़ा आएगा पकौड़े में, एकदम कबाब की तरह लगेगा। तो ये मेरा कीमा बन के रेडी हो गया है।
पहले देखेंगे मटन का क्या हाल है। तो पानी हमने चढ़ा दिया, मटन अभी हमारा देखा हमने कड़क है, दो सीटी हुआ है, अभी हमने चेक नहीं किया लेकिन दो ही सीटी हुआ है। तो वही हिसाब से आप क्या करते हैं, हम चावल की तैयारी कर लेते हैं। तो सौंफ, काली मिर्च, तेज़पत्ता, थोड़ा सा लेमन और स्लाइस जुलियन हमारा प्याज, ये हम इसी के अंदर डाल देते हैं और एक मुट्ठी इसके अंदर नमक डाल देते हैं। नमक आप बाद में चेक भी कर सकते हैं। तो पानी मेरा बॉयल होने लगा है और इसी के अंदर चावल को डाल देते हैं। थोड़ा सा इसको नीचे से हिला देते हैं ताकि लगने का टेंशन ना रहे। वैसे तो पानी ज़्यादा रहता लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी एक बार पलटा घुमाना चाहिए। तो अब ये हो गया है, उनके चेक कर लेते हैं। तो एक बोटी हम निकाल के पहले चेक करते हैं तो कहाँ तक पहुँचा। तो ये मेरा पक गया 80% जैसा। अब इसे हम थोड़ा भून लेते हैं ताकि इसका पानी गायब हो जाए। तो इसको अब हम इसके अंदर ट्रांसफ़र करके इधर इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके तेज़ कर लेते हैं, आपको दिखाएंगे। तो जब तक कि मेरा मटन का पानी सूख रहा है तब तक अब हम क्या करते हैं, कोफ्ता बना लेते हैं। कोफ्ते के लिए क्या करना है, पहले आपको थोड़ा सा हाथ यूँ भिगा लेना है और कोफ्ता आप अपने साइज अनुसार बना सकते हो, जितना बड़ा आपको बनाना हो, छोटा बड़ा इस तरह बना के रख देना है। अब सारे कोफ्ते आपको ये साइज़ के इतने इतने बड़े बना के रख देना है। तो राइस मेरा हो गया है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। फर्स्ट क्लास हो गया राइस को, करीब आपको 50% पकाना है, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो अब इसे हम स्टैंड कर लेते हैं। तो अब मटन को हम सबसे पहले ठीक कर लेते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं, थोड़ा सा मसाला डाल के इसको और चटपटा तेज कर देते हैं। तो थोड़ा सा इसके अंदर और हल्दी डालते हैं, आधा टेबल स्पून धनिया पाउडर और एक टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला एक टेबल स्पून, अंदर थोड़ा सा डाल देते हैं तेल, थोड़ा सा इसका पानी भी सूख जाए और अच्छी तरह से पक के बढ़िया जब खुशबू आने लगे, समझ लो कलर आ गया, समझ लो आपका माल अच्छा ही होगा। थोड़ा सा इसके अंदर डाल देते हैं धनिया और पुदीना और ये देखो इतना सा बिरिस्ता इसके अंदर हम डाल देंगे, थोड़ा सा चॉपिंग चिल्ली, थोड़ा सा जिंजर, लहसुन एक टेबल स्पून, हम भूज के रेडी कर लेते हैं। तो ये मेरा देखो तेल छोड़ना स्टार्ट हो गया है और अब हम चलते हैं दम की तरफ। तो अब सबसे पहले बॉल को हमने फ्राई कर लेना है। तो दोस्तों अब दम मारना स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा हमें इसके अंदर देसी घी डाल देना है, ये हो गया। और हम राइस डाल देते हैं। अब थोड़ा सा इसके अंदर हम क्या करेंगे, लेयर बना के यानी मटन डाल देंगे। अब इसके ऊपर वापस से हम राइस डाल देंगे, जो बचा हुआ मटन है उसको फिर से हम डाल देंगे और फिर इसके ऊपर राइस डाल देंगे। दो तीन लेयर बना के डालेंगे, आपको निकालने में भी इजी रहेगा और सभी जगह जो आपका राइस और वो सब टेस्टी हो जाता है, बहुत बढ़िया फ्लेवर आ जाता है। तो गर्म दूध में हमने केसर डाल के रख दिया था और अब इसे इसके चारों तरफ इसमें डाल देते हैं, ये कलर ऑटोमेटिक पकड़ लेगा। और अब थोड़ा सा इसके अंदर हम घी डाल देते हैं, देसी घी, और इसके अंदर बॉल, कुछ अंडे, हो गया हमारा आलू जो हमने फ्राई कर रखा था, तो ये हमने डाल दिया। बिरिस्ता डाल देना है, बिरिस्ता डालने में कोई कंजूसी नहीं। और ये थोड़ा सा धनिया, अब पुदीना, हमारा फ्राई किया हुआ मिर्ची, बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है आपको, बस थोड़ा सा फ्राई करना है और इसके अंदर डाल देना है, देना है। तो अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, सिल्वर फॉइल मार देते हैं। तो अब हमने इसको दम मार दिया है, ढक्कन लगा दिया है और नीचे फ्लेम थोड़ा सा हाई कर दिया है। एक बार गैस भरने के बाद में क्या हो गया, चिकन तो कच्चा है तो वो हिसाब से थोड़ा सा फास्ट रखेंगे और उसके दो तीन मिनट के बाद, तीन मिनट से चार मिनट के बाद क्या करेंगे, हम तपेला फिर से हटा के
और तावा लगा देंगे, तावा लगा के स्लो फ्लेम पर रख देंगे आधा घंटा के लिए, और आधा घंटा के बाद अब हम चेक करके आपको दिखाएंगे कि हमारी बिरयानी का क्या हाल है। तो अब हम दम खोल देते हैं। क्या बात है, तो हमारा जमजम बिरयानी बन के रेडी हो गया है। थोड़ा अब आपको निकाल के दिखा देते हैं। तो अब हम एक पोर्शन जितना आपको निकाल के दिखा देते हैं। माशाल्लाह एकदम चावल भी देखो सब खिले खिले हैं एकदम, बहुत बढ़िया। तो इसके अंदर जो भी बूटी मसाला जो है सब लेयर के हिसाब से डाला है, आपको निकालने में बहुत ही आसान होगा, ज़रा भी दिक्कत नहीं आएगा। आप आलू भी ले सकते हैं स्टार्टर के तौर पे खा सकते हैं, अंडा भी निकाल सकते हैं, और इसके नीचे मटन है दोस्तों देख सकते हैं आप, राइस भी रेडी, और ये देखो मटन अंडे सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास, एक एक राइस अलग। तो ये मेरा रेसिपी आज का जमजम बिरयानी का कंप्लीट हो गया। तो हमारा काम कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक चीज़ कि आप हमारी कोई भी रेसिपी देखना चाहते हैं जैसे कि कबाब बिरयानी या किसी भी चीज़ का, तो आप उस कबाब का या उस रेसिपी का नाम लिखो, उसके बाद में बाय रफीक लिखो या विद रफीक लिखो, और सारी रेसिपी हमारी आपको दिख जाएगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।